तो इधर से कोई एक्टिवा वाले आ रहे थे या तीन जने एक्टिवा पे थे, खड़े थे, क्या थे ये तो और देखने मालूम पड़ेगा। और उनको बचाते हुए यानी टू व्हीलर वालों को बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाते हुए फिर इधर दीवार में। तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम, अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। थाना सिविल लाइन पर जरिए टेलीफोन इतना मिली कि कुंदन नगर चौराहे पे एक स्कूटी और कार का एक्सीडेंट हुआ है। इतला पर मैं जाते के मौके पर आए तो एक कार नंबर RJ14CW0613 जिसने किसी रोडवेज बस को ओवरटेक करने के चक्कर में एक खड़े हुई स्कूटी के चालक के टक्कर मार दी, जिसमें स्कूटी चालक के चोटें आई है। कार में सवार लड़कियों के भी चोटें आई हैं जिनको 108 से हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। आगे जैसे इतना मिलेगी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की। नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं है, अभी ये देखेंगे रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसको जेल ने हॉस्पिटल भेज दिया 108 से। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। चांद सिंह ऐसे ही थाना सिविल लाइन चौराहा है आर्मी एरिया के सामने, कैंट एरिया के सामने कुंदनगर चौराहे पे ये एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ से तेज गति से गाड़ी ओवरटेक करके बस को और एक एक्टिवा वाले के अंदर बैठ दिया, उसके काफ़ी गंभीर चोट आई है। ये काफ़ी एक्सीडेंट जोन बन चुका है, 3-4 बार पहले भी यहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं। पहले यहाँ यह बत्ती चालू थी, अभी बत्ती बंद है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। ट्रैफिक सिस्टम पहले चालू हुआ था, अभी बंद हो गया है। किसकी गलती मानते हैं आप? ये कार वाले की गलती है, वो रॉन्ग साइड था, ओवरटेक करके आया था। कोई लेडीज थी? अब तो मालूम पड़ा कौन है लेडीज कार की गलती। नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है अभी। हाँ लेकिन ये मालूम है कि पता चला है कि कोई राजपूत है लेडीज। वो है और वो जो घायल हुआ, जो घायल हुआ है जो यहाँ पर वेल्डिंग की दुकान है पास में है, क्या नाम है उनका? अताउल्ला भाई। अताउल्ला घायल हुए हैं, वे काफ़ी गरीब आदमी है, वो कोई ज़्यादा अमीर भी नहीं है। दोनों पैर टूट गए हैं। नरेंद्र सिंह तंवर। मेरी भाभी और भतीजी और एक गुड़िया और थी गाड़ी में, शायद स्कूल से आ रही होंगी, संस्कृति स्कूल से, तो इधर से आ रही थी। तो अब पता नहीं रोड सुनने में आ रहा है देखने में आ रहा है कि जो पत्तेदर्शी उन्होंने बताया कि रोडवेज वाला क्या वो एकदम से ओवरटेक कर गया, तो भाभी शायद चमक गई, एकदम से घबरा गई होंगी। तो इधर से कोई एक्टिवा वाले आ रहे थे या तीन जने एक्टिवा पे थे, खड़े थे, क्या थे ये तो और देखने मालूम पड़ेगा। और उनको बचाते हुए यानी टू व्हीलर वालों को बचाने की पूरी कोशिश करी और बचाते हुए फिर इधर दीवार में पिट गई भाभी। हाँ उनके चोट आई है, अभी जे एल एन अस्पताल में लेके गए उन सबको, और कंधे में और बच्ची के सिर में भी और हाथ पैर में कहीं चोटें आई है घुटने वगैरह में। और टू व्हीलर पे जो थे उनको भी अस्पताल ले जाया गया। पहली प्राथमिकता यही थी कि भाई किसी के लगे नहीं, तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए चाहे पक्ष कोई सा भी हो, और गाड़ी को दीवार में बचाते हुए यानी उनको भी बचाने का पूरा प्रयास कराए ताकि किसी की ज़्यादा जनहानि ना हो। हम चंद्रदा ही रहती हैं भाभी, और रेलवे हॉस्पिटल में जॉब है उनकी, बच्ची के साथ स्कूल से आ रही होंगी शायद, और इसी वजह से मेरे को तुरंत पहुँचना पे यहाँ आया घटना पे, तो देखा गाड़ी इधर घुसी हुई थी, मालूम करा लोगों से, तो बोले रोडवेज वाला कोई गलत ओवरटेक कर गया, उसे चमक के ही धान भटक गया। और इधर फिर बचाते हुए टू व्हीलर वालों को भी बचाने का पूरा प्रयास कराया और दीवार में फिर गाड़ी चली गई। क्या नाम है भाभी साहब? गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है, मेरे ख्याल से गाड़ी पूरी इंश्योरेंस भी है अपनी, ऐसी बात नहीं है, इंश्योरेंस है, क्लेम है, सब कुछ है। तो बस यही है कि किसी के ज़्यादा चोट लगनी नहीं चाहिए, भगवान की उससे लगी नहीं ज़्यादा किसी की चोट, यही मैं कहना चाहता हूँ। कौन सी गाड़ी है? डस्टर। नाम क्या है भाभी साहब? अंशु।